वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पार्टनरशिप। बेसिकली पार्टनरशिप है क्या? देखिए बेटे, एक तो आपको इसको समझना है कि पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप की हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट वीडियो आज हम बना रहे हैं, तो इसमें हम आपको फंडामेंटल पार्टनरशिप की डिटेल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एक तो इसका रोल आप समझिए कि सीबीएसई और आईसीएससी दोनों में है। एक तो ये सीबीएसई और आईसीएससी दोनों बोर्ड्स में पार्टनरशिप का एक रोल बहुत बड़ा प्ले करना पड़ता है। बहुत अच्छे मार्क्स, यानी कि बिना पार्टनरशिप किए 100 तो किसी को मिलते ही नहीं है, पासिंग मार्क्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि अगर आप 12th को क्लियर करना चाहते हैं तो दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द पार्टनरशिप। क्योंकि सबसे ईजी कंसेप्ट, बहुत ईजी नहीं लेकिन सबसे ईजी कंसेप्ट, कंपनी का जो अकाउंट है उसके कंपेयर में यदि हम पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ से मार्क्स इजीली हम ले सकते हैं। क्योंकि जो मार्किंग होती है सीबीएसई और आईसीएससी में वो स्टेप मार्किंग है, और स्टेप मार्किंग में पार्टनरशिप में स्कोरिंग अच्छी हो जाती है, जबकि कंपनी अकाउंट में उतनी अच्छी स्कोरिंग नहीं होती। लेकिन तो इसलिए हमें क्या करना है, पार्टनरशिप को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो पार्टनरशिप है क्या? तो बेसिकली पार्टनरशिप को जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसको नोट कर लीजिए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 4 डिफाइन करती है पार्टनरशिप को कि पार्टनरशिप क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन हु आर एग्री टू डूइंग द बिजनेस एंड डिवाइडिंग द प्रॉफिट। दैट्स योर लैंग्वेज, डजंट मीन कि यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, अकॉर्डिंग टू दैट कि कोई पर्टिकुलर राइटर की डेफिनेशन को आपको लिखना है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है हमें। तो यू हैव टू राइट योर ओन डेफिनेशन, बट यू हैव टू क्रिएट कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप, देखिए एक से ज्यादा लोग मिल रहे हैं ना तो पार्टनरशिप है, अदरवाइज क्या होता, सोल। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, किस लिए? फॉर डूइंग द बिजनेस एंड डिवाइडिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर ना? तो बेसिकली पार्टनरशिप का रोल क्या है, इसको मैंने आप बिजनेस स्टडीज में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज की में देख सकते हैं आप। बाकी मैं यहाँ जो आपको समझा रहा हूँ कि पार्टनरशिप के जो न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं, पहली बात तो सभी पार्टनर्स के पास इक्वल राइट होते हैं, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो एक मेन कंसेप्ट है वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स के पास उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर बिजनेस को लॉस होता है तो अपना शेयर ही बियर नहीं करना है। यदि जो अदर पार्टनर्स हैं उनके पास घर पर प्रॉपर्टी नहीं है तो उनका लॉस भी हमें बियर करना है, इसलिए हम इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पार्टनरशिप में हम जब अकाउंट्स बनाएंगे तो क्या डिफरेंस होने वाला है, ठीक है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 100। मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम नंबर है वो है 100, और पार्टनरशिप में मैक्सिमम 100 नंबर है कौन एक्सप्लेन कर रहा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं कर रही है, इसको बता रहा है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 100 मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम 2 होंगे। तो बेसिकली पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं, थियोरेटिकली भी मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। आप इसे समझें कि पार्टनरशिप में जो एक मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम होता है डीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द डीड। व्हाट इज द डीड? डीड एक डॉक्यूमेंट है, इट शुड बी इन द रिटन, ऑरली भी हो सकता है बट इट शुड बी इन द रिटन, होना चाहिए रिटन में, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड हम एक एक पॉइंट को इंक्लूड करें, एक एक पॉइंट को इंक्लूड करें, जैसे कि फर्म का नेम, समझ रहे ना मेरी बात, फर्म का नेम, हेड ऑफिस, ब्रांचेस, नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के रेशियो, हाउ मच कैपिटल दे इन्वेस्टेड, तो दिस ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी इन्वॉल्व्ड। ये सभी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारी पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जो पार्टनरशिप के पूरे रिलेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि पार्टनर्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। तो उस रिलेशनशिप को समझना है आपको कि पार्टनरशिप का, तो वो एक एक डिटेल, यानी एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी रिटन इन द डीड।
आप मुझसे कहेंगे ये इंफॉर्मेशन, इट शुड बी रिटन इन द डीड। तो हर इंफॉर्मेशन डीड में रिटन होनी चाहिए, और यदि ये फर्म रजिस्टर्ड है तो बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप फर्म को अपना यदि रजिस्टर्ड कराया है तो वेल एंड गुड, और यदि आप रजिस्टर्ड नहीं करा रहे हैं तब भी आप पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर सकते हैं। कुछ राइट्स हैं, कुछ टैक्सेशन के पॉइंट्स हैं, कुछ जैसे हमारे पास राइट्स होते हैं ना स्यू करने के, किसी के अगेंस्ट हम स्यू कर दें या कोई हमारे अगेंस्ट स्यू कर दे, तो वहाँ कुछ केसेस में हम कुछ फ्लॉप हो जाते हैं यदि हमारी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है। अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे अकाउंटिंग सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी अकाउंटिंग डीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट डीड है कि डीड क्या है, ठीक है। और डीड में हम यहां जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल। जो फंडामेंटल टॉपिक है वो बेसिकली जो अकाउंट्स हम बनाकर लाए हुए हैं, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट एंड यू गेट द प्रॉफिट। आपने वहां से नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया। क्या किया था आपने नेट प्रॉफिट का, भाई नेट प्रॉफिट निकाला, कैपिटल में ऐड कर दिया, बैलेंस शीट तैयार कर दी। आज भी हम वही काम करने वाले हैं, पार्टनरशिप में कुछ नया नहीं करने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है पार्टनरशिप। बट प्रॉब्लम इज देयर कि वहां जो आप बैलेंस शीट बना रहे थे, आपको केवल जो कैपिटल थी वो ऐड करनी थी, मतलब जो प्रॉफिट था वो ऐड करना था पर्टिकुलर वन कैपिटल में। बट यहां पर आपको एक से ज्यादा पार्टनर हैं, मोर देन वन, तो प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा, जिसके लिए मुझे डीड चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डीड अकाउंटेंट उस प्रॉफिट को डिवाइड करेगा, ठीक है। कोई प्रॉफिट हो सकता है, कोई कमीशन हो सकता है, हो सकता है ना कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है उसको कमीशन चाहिए, सैलरी हो सकता है, कोई कर रहा है वर्क, कोई नहीं कर रहा है, तो बेसिकली कुछ भी हो सकता है। आपस में एक रिलेशन होना चाहिए। और एक खास बात यह है डीड की कि व्हाट डू यू मीन बाय द डीड, कोई भी पॉइंट जिस पर सभी पार्टनर एग्री हैं वो डीड है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वेयर ऑल द पार्टनर्स आर एग्री, दैट इज द डीड। अगर कोई चीज डीड में लिखी हुई है, इवन पार्टनर उसके अगेंस्ट किसी दूसरी पार्ट पर सभी पार्टनर एग्री हैं, तो फिर वो डीड है, डजंट मैटर कि जो डीड में लिखा हुआ है। जो मेन बेसिक कंसेप्ट है कि साइलेंट इफ डीड इज साइलेंट, इफ डीड इज साइलेंट, अगर डीड साइलेंट है, डीड में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, यानी डीड में बताया ही नहीं रखा है, डीड है, डीड में सब कुछ लिखा हुआ है, बट जो हमें रिक्वायर्ड है उनमें से अगर कुछ चीजें नहीं लिखी हुई हैं अकॉर्डिंग टू डीड, अगर डीड नहीं है तो कुछ चीजों के बारे में हमें जो डिसीजन लेना है वो क्या डिसीजन लेंगे। यानी कि फर्म में डीड है, ठीक है, सब कुछ है, ओके, बट हो सकता है कि डीड में कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन ना हो, या डीड हो ही ना, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में यदि कुछ पॉइंट्स पर डीड एक्सप्लेन नहीं करती, डीड क्लियर नहीं करती पॉइंट्स को, तो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं कि हम किसी भी पार्टनर को कोई भी नो सैलरी एंड कमीशन, नो सैलरी नो कमीशन, यानी कि हम किसी भी पार्टनर के लिए ना तो कोई सैलरी अलाउड करेंगे ना ही कोई कमीशन अलाउड करेंगे, ठीक है। कोई इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे ना अलाउड करेंगे। सेकंड पॉइंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स पर भी कोई ना तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और ना ही कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट हम अलाउड करेंगे आपके लिए, ठीक है। दोनों ही चीजें, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई बोनस नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात को, पार्टनर्स को कुछ नहीं देंगे। प्रॉफिट हमेशा इक्वल बांटेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड इक्वली, प्रॉफिट को इक्वल डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट हमेशा कैसे बटेगा हमारा, इक्वल प्रॉफिट होगा हमेशा इक्वल, इक्वल प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। कोई सैलरी, कमीशन, बोनस, अलाउंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कोई डिस्कशन हम नहीं करेंगे इफ देयर इज नो डीड, और डीड इज साइलेंट फॉर दीज पर्टिकुलर पॉइंट। लॉजिक समझिए, डीड है बट कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर क्लियरिटी नहीं है, क्लियरिटी नहीं है तो फिर इस तरीके से, डीड है, मेंशन है, लेकिन इंटरेस्ट के बारे में मेंशन नहीं है, तो फिर भाई इंटरेस्ट नहीं देंगे,
सैलरी नहीं देंगे, नहीं कह रहा तो कमीशन नहीं देंगे, दैट इज द बेस्ड ऑन द डीड। फोर्थ पॉइंट है मेरे पास, ध्यान से रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये आपको देना है 6%। ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, यानी कि एक लोन किसी पार्टनर ने फर्म को दिया है, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो उस लोन पर उस पार्टनर को इंटरेस्ट हमें देना है, इट शुड बी। अगर डीड नहीं कह रही है, कोई मेंशन नहीं है डीड में, कहीं कुछ डिटेल नहीं है, इवन वी हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, दैट इज द रेट ऑफ 6%। अब मैं कुछ चीजें आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जैसे कि मैं कुछ बातें बता रहा हूं, एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, चार्ज, क्या लिख रहा हूं बेटा, एक चार्ज, सही है, एक लिख रहा हूं मैं एप्रोप्रिएशन, चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। देखिए आजकल सीबीएसई इस तरह के क्वेश्चंस 3 मार्क्स में अटका रही है हमें, वो ना 100 में वो रोक लेती है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स काट लिए और 100 से नीचे आ गए, हमें 100 गेन करना है तो हमें वो छोटे छोटे पॉइंट्स पर ध्यान देना है, ठीक है ना, वो छोटे छोटे पॉइंट्स अगर हमारे ठीक हैं तो हमेशा ठीक करेंगे हम। हमें समझना होगा पार्टनरशिप क्या, जनरल चीजों में एक होता है चार्ज, एक होता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज यानी एक्सपेंसेस के डिस्कशन कर रहा हूं मैं, एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस कुछ चार्ज हैं और कुछ एप्रोप्रिएशन है। अब कुछ चार्ज हैं, चार्ज हमेशा कंपलसरी होते हैं, चार्ज हमेशा कंपलसरी होते हैं जो हमें आउटसाइडर्स को देने होते हैं। भाई आप बिजनेस चल रहे हैं, आप कर रहे हैं अपना, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, सारे एक्सपेंसेस डाले ना, पीएल, ट्रेडिंग पीएल एक ही होता है, हमें कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, हमें वहाँ से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो आपने इम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे थे, तो इम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दे रहे थे वो चार्ज था, और किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे थे तो वो एप्रोप्रिएशन है। तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन, चार्ज आर पेड टू द आउटसाइडर्स वाइल द एप्रोप्रिएशंस आर पेड टू द पार्टनर्स। चार्ज आर कंपल्सरी, चार्जेस आर कंपल्सरी इवन यू आर इन द प्रॉफिट और इन लॉस, मुझे फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू पे सैलरी टू योर एम्प्लॉयज। जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जो भी आप ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में अभी तक डाल रहे थे, चार्ज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, चार्ज कर रहे थे, तो यानी कोई भी एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग पीएल में हमारे पास आ रहा था, यानी आउटसाइडर्स को जो भी हम दे रहे थे, वो सभी हमारे चार्ज हैं, और आपको लॉस हो चाहे आपको प्रॉफिट हो, आपको पे करने ही हैं। आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, आप बार बार मेरी बात को समझिए, आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको उन एक्सपेंसेस को पे करना ही है, बट एप्रोप्रिएशन हमें अपने पार्टनर्स को देने हैं, एंड इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डीड के बारे में बताया था कि डीड साइलेंट है, डीड कुछ पॉइंट्स पर अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रही है, तो हम इन पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, करेंगे ना बेटा, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। ओके, डीड ने कहा है, डीड में मेंशन है, पार्टनर्स को सैलरी देना है, पार्टनर्स को कमीशन देना है, पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट भी देना है। ओके, डोंट वरी, इट इज गिवन इन द डीड, इवन देयर शुड बी अ प्रॉफिट। आप समझ रहे हैं, डीड ने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है पार्टनर को, कमीशन देना है पार्टनर को, इवन हम केवल तभी दे पाएंगे जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। यदि हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं है तो हम इन्हें नहीं देंगे, इवन इट इज गिवन इन द डीड, डीड में मेंशन है कि ये प्रोवाइड करने थे, लेकिन फिर भी हम उन्हें प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्या नहीं है, इफ देयर इज नो प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो देंगे, वो तो डीड कह रही तो देंगे, डीड नहीं कह रही तो नहीं देंगे, डीड कहेगी तो देंगे, नहीं कहेगी तो नहीं देंगे,
लेकिन अगर डीड कह भी रही है और हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो नहीं देंगे। और अब समझिए कि कुछ प्रॉफिट्स है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन थोड़ा ज्यादा है, तो हम उसको केवल अप टू जो प्रॉफिट है उस लेवल तक देंगे। यानी कि मुझे प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपीज का, तो मैं वो इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन टोटल 10,000 तक ही दे पाऊंगा, उससे ज्यादा मैं आपको नहीं दूंगा। तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है फंडामेंटल को पढ़ने के लिए पार्टनरशिप को। ठीक है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस तो दिखाई दे रहे हैं सारे, सैलरी है, एक्सपेंसेस है, बट सैलरी किसे दे रहे हैं आप? सैलरी इंप्लॉइज को दे रहे हैं, तो चार्ज है पीएल में आएगा, किसमें आएगा? पीएल में। और सैलरी दे रहे हैं अपने पार्टनर को, तो फिर वो एप्रोप्रिएशन है, फिर वो पीएल में नहीं आएगा, ये बनता है पीएल अकाउंट के लिए। ये किस चीज में आती है? पीएल में। और ये आते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान दीजिए, अब हमारे पास एक अकाउंट है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे पूरे फंडामेंटल में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझे ना क्या डिस्कस करेंगे हम पूरे चैप्टर में? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी कोई भी चार्ज नहीं आता, चार्ज सभी पीएल अकाउंट में आते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल एप्रोप्रिएशंस होते हैं, यानी कि जो अमाउंट हमें पार्टनर्स को देनी होती है, ठीक है, या जो बेस्ड होती है प्रॉफिट पर, प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे, वो सब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो अब मैंने क्या क्या आपको बताया? मैंने आपसे कहा डीड, पार्टनरशिप पहले से स्टार्ट की मैंने पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइन व्हाट इज द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप देयर शुड बी मिनिमम 2 मेंबर इन द फर्म एंड मैक्सिमम 100 मेंबर। द फर्स्ट द मेन पॉइंट इज देयर कि ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप आर एक्सप्लेन इन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए फर्म इज डिफाइंड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि आपके पास मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? 100। ये पार्टनरशिप नहीं बता रही, ये कंपनीज एक्ट 2013 एक्सप्लेन कर रहा है। तो है ना कुछ अजीब सी बात, तो ये ध्यान देना, वन मार्क से क्वेश्चन में हमें फंसा ना ले। अब ये है कि जब पार्टनर आप फर्म में आ गए हैं तो पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं, पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, वो थियोरेटिकली पोर्शन है, पढ़ लेंगे, आप मुझसे कहोगे तो मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, सबके नोट्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। इसके बाद है मेरे पास जो डीड, सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द डीड। डीड इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, इट मे बी रिटन और ओरल, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। तो डीड में वो सारी, तो क्या क्या डीड में इंक्लूड होता है? तो डीड में आप बताइए कि क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो दीज ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड इन द डीड। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फर्म्स, जो भी झगड़े की जड़ हैं, जिसमें भी झगड़ा हो सकता है, इन फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो सभी बातें आपकी डीड में ही होंगी। किसमें होंगी? डीड में। तो डीड के अकॉर्डिंग ही आपको सारे अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, सारे अकाउंट प्रिपेयर करने हैं अकॉर्डिंग टू डीड। क्लियर है? अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं कि डीड मेंशन ही ना हो, डीड में वो पॉइंट्स रह गए, डीड उन पॉइंट्स के बारे में कुछ बता नहीं पा रही है, तो उनके बारे में क्या करना है? तो उनके बारे में मैंने आपको कहा, पार्टनर्स को कोई भी सैलरी और कमीशन और कोई भी बोनस किसी भी तरीके की कोई भी अमाउंट में पार्टनर्स को नहीं दूंगा जब तक कि डीड ना कहे, कहेगी दे दूंगा, नहीं कहेगी नहीं दूंगा। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा जब तक डीड ना कहे, डीड कहेगी तो दे देंगे, नहीं कहेगी तो नहीं देंगे। प्रॉफिट इक्वल बांटा जाएगा, डीड में नहीं कहा है, डीड कहेगी तो जैसे कहेगी वैसे बांट देंगे। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स के लोन को आपको 6% देना ही है, चाहे वो डीड कहे या ना कहे। हाँ, अगर डीड कहती है कि 6 की जगह 12 देना है तो 12 देना है, मेरा मतलब समझना, मैंने कहा डीड नहीं भी कहती है तब भी आपको 6% देना है, एंड दैट इज चार्ज। अब आप कहोगे सर पार्टनर्स को देने वाली चीजें तो आपने बताया अभी एप्रोप्रिएशन, बट नो, ठीक है, इंफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया कि पार्टनर्स को मिलने वाली चीज एप्रोप्रिएशन है, बाकी सब चार्ज है। लेकिन ये जो लोन फर्म ने लिया है, पार्टनर ने दिया है, अगर किसी और से लेते तो इंटरेस्ट देना पड़ता ना, तो इसीलिए पार्टनर से लेने वाला इंटरेस्ट भी हम चार्ज में ही रखते हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आपने किसी पार्टनर की बिल्डिंग यूज कर रहे हैं तो बिल्डिंग का रेंट है ना, है तो बिल्डिंग का रेंट चार्ज है, एप्रोप्रिएशन नहीं है।
भाई उस बिल्डिंग को आपने लिया है किसी पार्टनर से, तो उसका तो किराया आप किसी और से लेते, तो उसे रेंट पे नहीं करते क्या? तो पार्टनर को आप रेंट पे कर रहे हैं, तो वो रेंट भी चार्ज है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। यानी पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंस, ये सब तो एप्रोप्रिएशन है। दिस इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। तो डीड जैसे जैसे कहेगी वैसे वैसे देना है। और डीड जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात है, डीड कह रही है देना है, ठीक है, बट ये तो पता ही नहीं कितने परसेंट देना है, ये तो पता ही नहीं कि कितने परसेंट देना है। तो 6% देते हैं हम। मेरी बात नहीं समझ रहे हैं? डीड जैसा कहेगी वैसा करना है, अकॉर्डिंग टू डीड। डीड ने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट इट इज नॉट मेंशन कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है पर कितने परसेंट देना है। तो वहां पर जो रूल है वो 6% का, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में लगेगा। अदरवाइज तो आपको मेंशन करना है, डीड में बताया हुआ होगा, अगर सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी कितनी देनी है, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट कितना देना है, कमीशन है तो कमीशन कितना देना है। एवरीथिंग शुड बी मेंशन इन द क्वेश्चन। अगर कहा है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कहा है तो देंगे, बट परसेंटेज नहीं दी है तो 6%। क्लियर हो गया? अब मैंने दो चीजें बताई, एक चार्ज और एक एप्रोप्रिएशन। चार्ज और एप्रोप्रिएशन, चार्ज सारे पीएल अकाउंट में आते हैं, एप्रोप्रिएशन सभी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं, इसको हम समझेंगे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट जो चीज मुझे ऐसी लगती है कि जो मुझे तुम्हें बताना है, वो ये है कि हमारी जो पार्टनरशिप है इसमें आपको जो डिसीजंस लेने होते हैं, क्या लेने होते हैं? डिसीजंस। तो वो जो डिसीजंस आपको लेने हैं वो कौन कौन तरीके के डिसीजन लेने हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ कि डिसीजन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसीजन आर टेकन इन द फॉर्म्स डिसीजंस। तो वो जो डिसीजंस होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जनरल और एक होते हैं स्पेसिफिक। अब यहां भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में और कभी कभी लेंथी क्वेश्चन में कहीं पॉइंट फंसा दिया तो हम अटक सकते हैं। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का कंसेप्ट चलने लगा है आजकल, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कमेंट करना पड़ेगा। अब जैसे बिजनेस स्टडीज करते हैं तो केस स्टडी के बिना क्या हमें बेनिफिट होने वाला है, लेकिन केस स्टडी भी तब समझ में आएंगी, तभी पढ़ने का बेनिफिट है जब टॉपिक को बहुत अच्छा समझते हैं। आप केस स्टडी लर्न थोड़ी करेंगे, तो टॉपिक अगर आपके माइंड में है तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि केस स्टडी तो टॉपिक पर ही बेस्ड है। अगर आपका टॉपिक क्लियर तो केस स्टडी डी। तो ऐसी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो पार्टनरशिप में जब पार्टनरशिप फॉर्म चलती है, रेगुलर हम वर्क करते रहते हैं, तो बिजनेस में डिसीजंस भी लेंगे हम, भाई ये काम करें ये नहीं करें, ये इससे करना है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिसीजंस जब आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ में लेना होता है सुबह दोपहर शाम। तो वो डिसीजन दो तरह से होते हैं, एक होते हैं जर्नल और एक होते हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं विच अफेक्ट द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर्स। यानी स्पेसिफिक डिसीजन वो डिसीजंस हैं जो पार्टनर्स के प्रॉफिट को, पार्टनर्स के इंटरेस्ट को, पार्टनर्स के शेयर को इफेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, जो पार्टनर्स पर डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं, वो हैं मेरे स्पेसिफिक डिसीजन। जैसे अभी हम डीड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, किससे रिलेटेड मेरे बच्चा? डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सभी डिसीजन स्पेसिफिक है। दो पार्ट, तीन, सपोज करो देयर आर 3 पार्टनर इन द फर्म, 2 पार्टनर्स कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए, एक मना कर रहा है, नहीं होगा क्योंकि डीड तो कहती नहीं है, और एक ने मना कर दिया तो नहीं होगा। तो वो डीड पर बेस्ड है, वो सब स्पेसिफिक डिसीजन है। इसके अलावा कोई पार्टनर आपको एडमिट होता है तो वो स्पेसिफिक डिसीजन है। मैं तो ये कहता हूं 20 पार्टनर्स हैं फर्म में, 20 पार्टनर्स, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 19 पार्टनर एग्री टू एडमिट आ न्यू पार्टनर, 19 out of 20, यानी 20 में से 19 पार्टनर एग्री हैं कि किसी एक और पार्टनर को फर्म में पार्टनर बना दें, लेकिन एक एग्री नहीं है, 20 पार्टनर एग्री नहीं है 20वां नंबर का पार्टनर, तो आप एंटर नहीं करा सकते, आप फर्म में पार्टनर को एंट्री नहीं दिला सकते, क्योंकि वो स्पेसिफिक डिसीजन है। अब ये स्पेसिफिक डिसीजन क्या होते हैं? स्पेसिफिक डिसीजन होते हैं जो 100% मेजॉरिटी, 100% मेजॉरिटी के साथ ही लिए जाएंगे। अगर 100% पार्टनर एग्री हैं कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होना चाहिए, तभी वो रेशियो हो सकता है।
अगर एक पार्टनर भी उसमें डिसएग्री है, एक पार्टनर भी डिसएग्री है, यानी जिसपे पार्टनर्स को कुछ मिलने वाला, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बताया था ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो वो केवल तभी क्रिएट हो सकते हैं, जब ही क्रिएट हो सकते हैं, जैसा कि डीड है कि 100% मेजोरिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजंस, टू टाइप्स ऑफ डिसीजन, स्पेसिफिक डिसीजन विच आर टेकन ओनली वेन 100% मेजोरिटी, यानी 100% पार्टनर, यानी जितने भी पार्टनर हैं सभी के सभी पार्टनर एक ही पार्टी यानी एक ही पक्ष में अपनी वोटिंग करें, यानी 100% मेजोरिटी हो, एक भी पार्टनर बाहर जाएगा तो आप स्पेसिफिक डिसीजंस को पूरा नहीं करा सकते। जबकि एक होते हैं जर्नल डिसीजन, जर्नल, अब बिजनेस करेंगे ना तो जर्नली डिसीजन भी लेंगे, गुड्स खरीद लें नहीं खरीद लें, उससे खरीदें नहीं नहीं बी से खरीदेंगे नहीं नहीं डी से खरीदेंगे, इतना खरीदें उतना नहीं खरीदें, तो बिजनेस कर रहे हैं तो देर आर लॉट ऑफ डिसीजंस जो आपको लेने हैं पूरे दिन, तो ऐसे डिसीजंस में आपको 100% मेजोरिटी नहीं चाहिए, आपको मेजोरिटी चाहिए मोर देन 50%। यानी कि जर्नल बिजनेस करने के लिए, जर्नली बिजनेस में जिसमें किसी डायरेक्ट किसी पार्टनर का कोई शेयर इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, वो सभी हैं जर्नल डिसीजन, वहां पर भी मोर देन 50 से ज्यादा, 50% से ज्यादा कितना भी हो सकता है। जैसे 20 पार्टनर थे, 11 एग्री हो जाओ, 11 एग्री तो ठीक है, डिसीजन पास, क्योंकि वो जर्नल डिसीजन है। और स्पेसिफिक होता तो 100%, 20 तो 20 के 20, तो स्पेसिफिक समझ लीजिए, बाकी सब जनरल डिसीजन है। तो स्पेसिफिक डिसीजन क्लियर हो गए ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर्स को, पार्टनर्स के रेशियो में चेंज करना, चेंज इन द रेशियो ऑफ द पार्टनर, एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, डिसॉल्व करना फर्म को, यानी जिसमें पार्टनर का इंटरेस्ट सीधा इफेक्ट कर रहा है, वो स्पेशल डिसीजन, तो जनरल डिसीजन। ठीक है, तो मैं कुछ और एग्जांपल भी लेकर बताता हूँ, इनमें कई बार प्रॉब्लम आ जाती है इसी तरह के डिसीजन में। सपोज कीजिए एक पार्टनर ने फर्म में बिना बताए, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के फर्म से 20,000 रुपये निकालकर कहीं इन्वेस्ट कर दिए और वहां से उसने 5,000 अर्न कर लिए, तो पता है फर्म को कितने लौटाने होंगे उसको, 20 नहीं 25 लौटाने होंगे, कि जो 5 कमाए हैं वो भी फर्म के ही हैं। और इसका अपोजिट होता कि पार्टनर ने फर्म से 20,000 रुपये विड्रॉ किए बिना बताए और चुपचाप कहीं लगा दिए और वहां से उसको लॉस हो जाता, तो लॉस वो खुद बियर करेगा, यानी कि तब उसको पूरे 20 ही लौटाने पड़ेंगे, जो 5 का लॉस है वो खुद झेलेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो उसे फर्म को लौटाना होगा। यानी कि बड़े टेक्निकल कंसेप्ट हैं, लेकिन जितना भी इसके अंदर टेक्निकल पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड आपके लिए अलग आगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और इससे रिलेटेड जितना भी फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। आप लगातार देखते रहें, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेन जरूरी है यदि आपने अभी तक बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के बाद, तब तक कॉपी करें आपसे।